आज इंशाल्लाह बनाने जाएंगे गोश्त। गोश्त की रेसिपी बहुत आसान है, जिस तरीके से मैं बनाऊंगा बहुत ही आसान है। तकरीबन काट वगैरह पे 1 घंटा लगता है, ठीक है ना। अब देखना कैसे बनाते हैं। सब चीज़ें मैंने काट ली है, गोश्त का कटाकटा है मिला, प्याज 1 बड़ा लिया, 1 बड़ा टमाटर लिया, अदरक और लहसुन और मिर्ची का पेस्ट जो है मैंने ग्राइंड कर लिया, ठीक है ना। अब चलते हैं कुकर में रखेंगे, देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले प्याज, टमाटर, मिर्ची का डाल दें। उसके बाद गोश्त, गोश्त को अच्छी तरह धो लिया। इसके बाद हल्दी और तकरीबन 1/2 चम्मच खाने वाले। ये मिक्स मसाला है, इसमें गरम मसाला, लाल मिर्च, ये सब कुछ इसका पाउडर बनाऊंगा। सूखा धनिया 1 किलो में डालूंगा, 1 चम्मच से थोड़ा सा डाल। इसके बाद डालेंगे नमक, इससे ज़्यादा मैं तो अंदाजे से ही डालूंगा। उसके बाद ये पेस्ट डालेंगे, इसमें पानी नहीं डालना, बस थोड़ा सा डालना था कि नीचे नहीं लगे, बस इसको भी थोड़ा लेट कर लेंगे, थोड़ा जैसा तो चिपका हुआ है। तो गोश्त भी पानी छोड़ेगा, प्याज भी तकरीबन 1/2 कप डालना, ये भी ज़्यादा है लेकिन चलेगा। अभी इसके बाद 5 लगाता 5 गिलाऊंगे इसके नीचे। इसके बाद इसका ढक्कन बंद कर देती है। ताज़ा गोश्त है, इसके लिए कम से कम 15 से 16-17 मिनट चाहिए। 15 मिनट के बाद चेक करें, अगर गल गया तो ठीक है, इंशाल्लाह गल जाएगा, तो पहले भी मैंने बनाया है 2 बार तो ये गल जाएगा। इसको 15 मिनट इस तरह पकाना है। इसको 17 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन खोल कर देखते हैं बहुत गला है कि नहीं। सबसे पहले इसकी प्रेशर वाला जो वेट है इसको हटाना होता है। बिस्मिल्लाह, तकरीबन गल चुका है। इसमें थोड़ा पानी है, इसको थोड़ा खुश किया जाएगा। पानी इसमें बहुत ज़्यादा था,
इसको मैंने अलग से निकाल लिया है, पहले गोश्त को भूनूंगा, उसके लिए डालेंगे जैतून का तेल। इसको अच्छी तरह भून लेंगे, उसके बाद जो इसके से पानी निकाला है शोरबा, तो बाद में शोरबे के तौर पर इसको 5-6 मिनट मैंने भून लिया। तैयार हो चुका है, अब इसमें जो पानी निकाला था वो डाला जाएगा। फिर इसको 5 मिनट इसको पकाएंगे, उसके बाद हमारा गोश्त तैयार होगा। पाँच मिनट के लिए इसका ढक्कन हम बंद कर देंगे। अभी चेक करते हैं, थोड़ा हो गया है, पानी थोड़ा पक चुका है। सालन अभी तैयार हो चुका है, इसमें हम डालेंगे धनिया और आग जो है चूल्हा जो है बंद कर दें। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अगर आप शोरबा ज़्यादा रखेंगे तो थोड़ा घास थोड़ा थोड़ा ज़्यादा पानी नहीं होगा। देख सकते हैं मैंने इतना ही शोरबा रखा है, ना ज़्यादा ना कम। नमक आप बाद में चेक करके अगर ज़्यादा चाहिए डाल सकते हैं, मैंने थोड़ा कम ही रखा है नमक इसमें। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह, अभी इंशाल्लाह खाएंगे कुछ देर में।